मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। रिस्पेक्टेड हेड मैम, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। माय नेम इज नेहा काटल, आई रीड इन 9th क्लास। टुडे हिशार सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। आई एम highly thankful to him. Now, without wasting more time, I would like to invite on the stage Miss Sophia Sheikh of class 9 to present her speech on cleanliness. Miss Sophia Sheikh. Respected teachers and my dear friends, good afternoon to everyone. My name is Sophia. I am student 9th class. Today my topic speech of cleanliness. Cleanliness is one of the most important qualities of life. It is considered next to godliness. Cleanliness is defined as the state of being clean or the act of keeping things clean. It is very important for good health. The sign of good health is cleanliness. It is very necessary from our point of view, physically, mentally, spiritually and environmentally. It is crucial to understand the importance of cleanliness as it is the first step towards a healthy living. It keeps the people away from infection and thus prevents them from fatal condition. The one who maintain cleanliness enjoy good health and lead active lifestyle, enhancing their lifespan and keeping themselves. Miss Momina Bhanu. Respected teacher and all my brother and sister, good afternoon to everyone. Good afternoon. My name is Momina Bhanu. I am student of 9th class. Today about this speech of health is wealth. Health is wealth. Introduction. Health is wealth is a common sentence that we heard about from childhood. Health is wealth means that health is more important than wealth. A healthy body is defined as the overall ability of the body to function well. It includes the physical, mental, emotional and social health of all individuals. Importance of health. There are an corner in the persons of having good health. First off, enjoy his life more deeply. Good health helps us to protect. तो कोशिश हमेशा ज्यादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो। Now I would like to invite on the stage Miss Sumaira Bhanu of class 9, मतलब हेडमास्टर साहिब, दिगर उस्ताद साहिब और प्यारे साथियों आदाब। मेरा नाम सुमेरा बानो है, मैं 9वीं जमात में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने सफाई पर उर्दू मौजमू कहना चाहती हूँ। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। जो लोग साफ सुथरे नहीं रहते, इनकी सेहत कभी अच्छी नहीं रहती ना, और ना लोग इन्हें पसंद करते। हमारा मजहब भी हमें पाक साफ रहने की तकलीफ करता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्व ईमान फरमा दिया है। सफाई किसी एक चीज तक महदूद नहीं। हमें अपने लिबास और कमरे के अलावा गली मोहल्ले की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लिबास, जगह और माहौल की गंदगी बहुत सी बीमारियों का बाइस बनती है। तलबा के लिए जरूरी है कि वो अपना जिस्म और लिबास साफ रखे। रोजाना सुबह उठकर मिसवाक करे, गुसल करे, साफ कपड़े पहनकर स्कूल जाए। खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथ जरूर साफ कर ले। अपनी किताबें और बस्ता भी साफ रखे। बाजार में बिकने वाली घुली चीजें खाने से परहेज करे। घर में खाने पीने की चीजें ढक कर रखे।
और सेहत तंदुरुस्ती का सफाई से गहरा ताल्लुक है। जो सफाई का ख्याल नहीं रखेगा वो कभी तंदुरुस्त नहीं होगा और भरपूर जिंदगी भी नहीं गुजार सकेगा। शुरू और कलयुग बापू जी, ओ फादर ऑफ अ नेशन, यू मेड अ सेंसेशन व्हेन यू गॉट अस इंडिपेंडेंस विदाउट एनी वायलेंस। ओ ग्रेट लीडर गांधी जी, यू प्रैक्टिस लॉ इन साउथ अफ्रीका एंड टोल्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया एंड फाउट फॉर इंडिया फ्रीडम विदाउट एनी वेपन। ओ ग्रेट लीडर गांधी जी, यू टोल्ड द इंडियंस टू बर्न परदेसी एंड बाय स्वदेशी टू मेक सांट, यू वेंट टू डांडी, यू मेड क्लोथ विद खादी। वी मस्ट थैंक गॉड फॉर दिस डिवोटेड मैन। When I remember every time, I am short lifespan. Thank you. सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। Now I would like to invite on the stage Mr. Tanish Katal of class 8. आला काला कोट मेरे दर। Now I would like to invite on the stage Miss Neha Patel of class 9 to present her song. मैं जमीन तू आसमां, मैं दाग हूँ तू चांद सा, बारिश है मेरे तू हूँ मैं धुन कोई तू राग सा। मैं जमीन तू आसमां, मैं दाग हूँ तू चांद सा, बारिश है मेरे तू हूँ मैं धुन कोई तू राग सा। मैनू अपना बना ले मेरी हीरिए, मैं रहना है तेरा बन के। उहे बारियां है, उहे बारियां, उहे बारियां दे नाले कंदा टपके, तू आ जावांगी हवा बन के। छूना चाहे चाहूं तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे, छूं तुझे जैसे कोई चांद को छूना चाहे, चाहूं तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे। फिक्र की रात में तू सुकून की नींद है, पतझड़ के मौसम में बारिश की पहली बूंद है। निर्माण अज इब तेरे वास्ते, निर्माण अज इब तेरे वास्ते, आया है अदा करके। उहे बारियां है, उहे बारियां, उहे बारियां देना ने कंदा टपके, तू आ जावांगी हवा बनके। उहे ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है।